अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल बिलाल यूसुफ जई। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ रिएक्शन वीडियो एंड वी हैव विद अस द वेरी टैलेंटेड मोमिना मुनीर। मोमिना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है? पहली मरतबा रिएक्शन वीडियो कर रहा हूँ मैं, एंड यू आर द फर्स्ट वन। क्यों चूज किया आपने ये वाली वीडियो पहले? ये क्योंकि ईद आ रही थी तो, और ये फिल्म भी हमने लास्ट ईयर ईद के लिए की थी, सो आई जस्ट वांटेड टू हैव अ रिएक्शन वीडियो। प्लस दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर ये न्यूज हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम एवर मोमिना एक्टेड इन अ शॉर्ट फिल्म। सो इन्होंने घर पे बैठ के आराम से फिल्म देख ली, मैंने भी देख ली, एंड देयर वाज नो कॉन्वर्सेशन बिटवीन अस, सो आई जस्ट वांट टू सी हर रिएक्शन कि इन्होंने कैसे अपनी एक्टिंग को बर्दाश्त किया। मुझे मजा आया था पूरी फिल्म देख के, नॉट ओनली द फिल्म, हर एक्टिंग, राहिम परदेसी वाज इन इट एज वेल, सो आई लव द फिल्म, बट आई वांट टू सी हर रिएक्शन। तो मैं रिएक्शन से पहले ही बता दूं, मुझे ना अपनी एक्टिंग तो पसंद नहीं आई, क्योंकि ऑफकोर्स इट वॉज द फर्स्ट टाइम और सब ऑकवर्ड ही हो रहा था, क्योंकि मुझे नहीं, एक सेट पे बैठना भी अजीब ही सिचुएशन होती है, क्योंकि 10 लोग सामने होते हैं, एक कैमरा आपके मुंह पे होता है, कैमरा की टेंशन नहीं है, जो 10 लोग सभी देख रहे होते हैं ना, उसकी टेंशन होती है। तो इसीलिए हम सीन बाय सीन चलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ सीन्स पहले दिन हुए, कुछ सीन दूसरे दिन हुए, फिर एडिट में वो लगे, सो हाउ कम्फर्टेबल शी वॉज ड्यू द फर्स्ट डे एंड देन ड्यूरिंग द सेकेंड डे। ऑल्सो देर वॉज अ सॉन्ग एज वेल जिसके अंदर शी डांस्ड as well, so let's talk about that as well, but abhi hum start karte hain film and let's see how the reaction goes. Director's cut bhi ho gaya aapka, yeah, one of a kind director's cut. Theek hai ji, chale ji. Gorilla Lily, yaar left se koi MP40 maar raha hai, glue wall lagao. I'm trying yaar. Guys, I'm down, mujhe koi revive kare, aur Lily tum glue wall lagao na. Okay, so this was basically the first scene in the film, but ये सबसे last में shoot किया था, and I remember Momina set पे मेरे साथ ही बैठी हुई, सामने बैठी हुई है, and she is tagging me in Instagram stories, और उसमें बोल रही है कि बिलाल भाई छुट्टी दे दें, छुट्टी दे दें, जाने दें। यार आखिरी सीन था, बट आप ये देख सकते हैं कि सबसे लास्ट सीन था दूसरे दिन का, बट इफ यू सी द एनर्जी तो आपको लग रहा होगा कि एनर्जी इज वेरी हाई, बिकॉज द फिल्म स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीन, सो गुड जॉब। इसमें भी वैसे बहुत टेक्स हुए थे, मैं मुझसे ना ग्लू वॉल में ना वो आई थिंक बार बार मैं वो कर रही थी, मेरी वो हो रही थी जबान फंबल हो रहा था, हाँ, और एंड देयर वाज दिस वन मोमेंट आई स्टिल रिमेम्बर के मोमिना ने बहुत अच्छा किया, इवन द ग्लू वॉल शी सेड इट परफेक्टली, बट क्योंकि वो इतना अंधेरा था और स्टूडियो ने बिल्कुल डार्क किया हुआ था, तो एक मक्खी उड़ रही थी, एंड आई लाइक मोमिना गुड जॉब बट लेट्स डू इट अगेन। तो ये भी होता है, चलिए जी लेट्स कंटिन्यू। So that was the song जो हमने इंट्रो में यूज किया, द एडवेंचर ऑफ आमना एंड मिस्टर बी। ये कमरा मुझे इतना कूल लग रहा था। यू लाइक द आर्ट डायरेक्शन? बहुत अच्छी आर्ट डायरेक्शन थी, ये भी इतनी बार गए थे, मुझसे नेचुरली उठा ही नहीं जा रहा था, लेकिन सो के उठना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझसे नहीं उठा जा रहा था। सिनेमैटिकली अगर आप देखें तो आपको ना ये करना पड़ता है, यूं करना पड़ता है, तो मोमिना वाज़न कंफर्टेबल डूइंग दिस, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और हमें बस आंखें बंद करके चलना है। ये मेरे कमरे में इतना बड़ा सा डब्बा क्या है? अरे ये फ्री फायर वालों की तरफ से आया है गिफ्ट, पता नहीं क्या भेजा है इस बार, भाई मैंने तो तुम्हारे रूम में रखवा मेरी दिया। इतनी हाई पिच्ड आवाज क्यों है? आई डोंट इवन नो व्हाई, मतलब ये मेरी नॉर्मल आवाज नहीं थी। दैट वाज योर वॉइस ना? दैट वाज माय वॉइस, बट इट वाज सो हाई पिच्ड। अल्लाह, फ्री फायर ने अब क्या भेज दिया?
अम्मी। So that scream of yours, you couldn't scream ना? नहीं, इतनी बार उन्होंने मुझे चिल्लाया है, चिल्लाया है। चिल्लाने का कहा है? कहा है। Let's keep it that way. You're co-actor. Hello, Amna. Ammi, Ammi. अच्छा, I just want to add it here. बहुत मुश्किल होता है sometimes as an actor I can say that के when you have like a real human being acting in front of you तो आपसे acting हो जाती है. But in this case Momina was basically acting with a duck, a mascot. ठीक है ना, जिसके expression भी नजर नहीं आ रहे, जिसका मुंह भी नहीं हिल रहा है, lines भी नहीं है, lines भी, the AD was saying the lines. तो it was hard for Momina, but Momina has done a very very good job. मुश्किल था ना वैसे, मतलब फर्स्ट वाला ही ये होना कि लिटरली कोई इंटरेक्शन एज सच नहीं हो रही, इट वाज वियर्ड क्योंकि मुझे आगे के इमोशंस वो वाले फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती थी कि क्या हो रहा है भाई. जो आप बोलते थे मैं वो करती थी जेन्युइनली, लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं. हां, सो योर डायरेक्टर इज एक्टर, राइट? यू डू व्हाटएवर द डायरेक्टर सेज बेसिकली. सो खैर, लेट्स कंटिन्यू. तुम्हारा दोस्त हूं. दोस्त? ये देखो. Hello, Amna. Happy Eid ul Adha in advance. Please say hello to your new friend, Mr. Beanie. Phone to bada acha hai. Kahan se liya? Uff, main koi khwab to nahi dekh rahi. Wow! Ye cow tumhari hai. Main baith sakta hu ispe? Ye wala phir bhi mujhe acha lagta hai. Oho. इसमें क्योंकि ज्यादा एक्सप्रेशन है, इतनी लाइंस नहीं है. एक बत्तख से कौन दोस्ती करता है? एंड इट्स इजी टू एक्ट अनोइंग, राइट? मतलब आप जब फ्रस्ट्रेट हो रहे, बिकॉज़ ऑब्वियसली यू लिव इन पाकिस्तान, देयर इज अ लॉट ऑफ परेशानियां अराउंड, सो बंदा हो जाता है फ्रस्ट्रेट. आमना बेटा, गाय के लिए चारा तो ले आओ. जी अम्मी, ला रही हूँ. No. I like this sequence. This is like very cool sequence. इसके भी इतने टेक्स हमने किए थे जबकि अच्छा हो गया था एक बार, लेकिन कोई मसला हुआ था. Since it was a one take shot, तो जाहिर सी बात है थोड़ा भी पीछे अगर कोई इधर उधर हो जाता है, so we had to do the retakes. ये होगा. If there's a real duck in your life, that's gonna happen. बत्तख बेचोगी? ये बत्तख नहीं, मिस्टर बीनी है. Yes, Mr. Beanie. कमाल है, दिखने में तो बत्तख, नाम मिस्टर बिंडी. बिंडी नहीं, बीनी, मिस्टर बीनी. हाँ, जो भी है, बेचोगी? नहीं भाई. अरे देखो, मोहल्ले में चिकन ना 450 किलो मिलती है. तुम 500 ले लो. नहीं भाई. 600? नहीं, 650. अच्छा, दो. दो. That came natural, I think. यहाँ पे तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी. नहीं भाई. अरे चेक ले लो, प्री ऑर्डर बना देता हूँ. अजीब है. इस पॉइंट पे काफी एक्टिंग हो भी गई थी. या That's Anusha, by the way. She was the writer of this film. And that's my nephew, Ismail. अरे सुनो तो, कुछ तो जवाब दो. भिंडी 50, 1 किलो भिंडी बांध दो यार. ग्रेट, अब सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. क्योंकि मेरे साथ ही बड़ी बत्तख जो चल रही है. कहाँ पे? तुम एक बत्तख हो. नहीं, मैं तो मिस्टर बिनी हूँ, तुम्हारा दोस्त. नहीं. Please leave me alone. मुझे नहीं बनना तुम्हारा दोस्त. You looked very comfortable in this whole scene. हाँ. I think that was the second day. तो तब वो आदत मोमिना रिदम में आ गई थी एक. चले कैसे? भाई ज़ेन नुबड़े हो, क्या हराया हमने? This is my favorite sequence. I love this sequence. इसमें मैं. भाई ये चीज़ चक्कर. No, you're gonna come ना अभी. ये वाला जो main वाली acting वाला part था, just putting it out there. आज तेरा भाई. अभी ये सीन उठेगा ही मोमिना की एंट्री से. आलू डालने पड़े. The way she enters. इस कहानी के विलन. ओह अच्छा, नाइस टू मीट यू. ओह
बापरे क्या टोपी पहने हो। प्लीज मेरी हैट वापस कर दे। टोपी पसंद आ गई है बॉस को। अरे नहीं नहीं उड़ाओ इसको ले चलो साथ में चलो 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 Here comes Momina with her sniper. How easy for her is sniper वैसे रखती है ऐसे। वाह। आपने ही बोला था रखो। हाँ हाँ ठीक है। होता है इस तरह की snipers मिलती हैं मार्केट में हल्की वाली। चश्मा भी गिर रहा था मेरे में चश्मा भी ऊपर कर गया। The duck is praying. Look. ओए ओए अब आने वाला है डायलॉग मोमिना का डायलॉग। That's what friends are for. पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? I have an idea. चेक करें। The focus is all on मोमिना। नहीं। बदल गई। ये literally अभी नीचे ना switch कर रहे थे। हर दुश्मन का तोड़ भरपूर डैमेज देने वाली गन AWM मतलब बाकी सारी चीजें अच्छी थी बट ये वाला जो डायलॉग था ना ठीक है वी आर डूइंग दिस फॉर अ ब्रांड और हमें उसको बेचना है कमर्शियल डायलॉग यू कैन डू कमर्शियल्स वेरी वेल बाय द वे कैसे बोला मैंने ये आज तक हम सोच रहे हैं मुझे कैसे किया तुमने ये एक और कर लेना चाहिए था हेलो आई रिमेम्बर शॉर्ट में पीछे धुआं जल्दी खुल गया था अच्छा आई डोंट रिमेम्बर शॉर्ट कुछ हुआ था कि धुआं पहले हो गया था फिर वापस से करना पड़ा हाँ ये अगेन दिस इज लाइक हर चीज ना फिल्म मेकिंग के अंदर इतनी डिटेलिंग वाली होती है एंड एवरीथिंग हैज टू सिंक हम पीछे धुआं भी कर रहे थे डे लाइट भी खत्म हो रही थी एंड वी हैड टू डू दिस सीन एज वेल So, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मोमिना यू हैव डन अ गुड जॉब ठीक है अगर सब चीजों को मद्देनजर रखें मसला ये था ये वाला सीन हम वापस कर सकते थे एक रीटेक हो सकता था लेकिन लाइट पीछे से चली गई थी ऑलरेडी 3 टेक्स हुए थे जो बहुत बुरे हुए थे उसमें से सबसे अच्छा ये वाला था जो लगा है बेटा गाय का खाना ले लिया जी अम्मी ले लिया अरे ये तो बताओ गाय काटेगा कौन कसाई तो ढूंढो वो भी ढूंढ लेंगे जूनियर आर्टिस्ट आज हम आपके लिए जो शो लेके आए हैं उसका नाम है बुचर्स गॉट टैलेंट तो क्या आप अपनी कुर्बानी के जानवर के लिए कसाई ढूंढ रहे हैं तो आज का शो देखना मत भूलिएगा That's a cool way to find a butcher. ऐसे ही ढूंढने चाहिए तो हमारे साथ पैनलिस्ट सबसे पहली मौजूद हैं मिस आमना क्या है ये दीपिका और दूसरे पैनलिस्ट हैं मिस्टर बिनी तो जजेस आर यू रेडी आई लव दिस पार्ट जब तूने उसको मारा था तो सेटअप लग गया है बुलाते हैं इतने अननेचुरल हंसी थी मेरी कसाई नंबर 1 आइए लाइक प्लेडो था ये एक्चुअल गोश्त नहीं था मैं आपको एक प्लेट में गोश्त काट के दिखा डिस्क्लेमर देखेंगे देखेंगे जी जी दिखाइए अच्छा ये ना अलग अलग शूट हुए थे इन हमारे रिएक्शंस वर फिल्म रिलेटेड नहीं ये क्या कर रहे हैं आप नहीं तुम मेरे सामने वो एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे थे हां हम बता रहे थे मैंने ना अब इसने यूं किया है तो ये वाला एक्सप्रेशन दो अबे भाई कुछ नहीं होता है यार मैं करता रहता हूं मैं ऐसे काटता हूं अबे मैं भी तो मैंने कुछ किया ही नहीं क्या हो गया भाईजान बच गए रिजेक्टेड तो ये थे हमारे पहले कंटेस्टेंट जो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे जजेस के लिए तो आइए बुलाते हैं दूसरे कंटेस्टेंट को तो कंटेस्टेंट नंबर 2 आइए हां भाई मैं कोई ऐसा वैसा कसाई नहीं हूं बहुत अलग तरीके से गोश्त काटता हूं करके दिखाऊं क्या दिखाएं
अरे भाई ये गन दिस वाज ऑल फॉर द ब्रांड और हमने ये चीज बताई है कि ये बेहुर्मती है गोश्त की ये देखो करके दिखा मोमिना विल से इट इन द फिल्म उड़ जा भाई एंड आई कुडंट से द वर्ड बेहुर्मती बेहुर्मती या कैन यू से इट नाउ बेहुर्मती उस वक्त नहीं कर रहा था तो ये थे हमारे दूसरे कंटेस्टेंट जो के काफी हल्के रहे आइए बुलाते हैं कसाई नंबर 3 को तो कसाई नंबर 3 आइए दैट्स मी गेस्ट अपीयरेंस My name is Shaji Hassan, and I'm so excited to be here. A lot of people in our society are okay with just standing still, but not me. I believe as young individuals, we need to work past our limitations and move forward. मेरे ख्याल से आप किसी गलत जगह आ गए हैं, ये जॉब इंटरव्यू नहीं चल रहा। हाँ हाँ मुझे पता है असल में मैंने ना इंजीनियरिंग की भी है और आपको पता है जॉब्स तो है नहीं तो मैं इसके ऑडिशन में आ गया That's true, yeah. That is true. ये मुझे नहीं पता but again अब्बू के लिए किया था but I always wanted to do this. अच्छी बात है ना दोनों ही experience हो गए job में भी लेकिन आपको मैं अभी यहाँ पे क्यों बैठा हूँ क्योंकि नहीं मिली आपको बच्चों इस बार talent में वापस आना चाहिए इस साल आऊँगा मैं oh entry हो गई है MPTC हीरो एंटर हो गया ही डिड सो गुड मतलब आई थिंक दो शॉट्स दो टेक्स हुए थे बस और फर्स्ट वाला जो टेक था वही यूज हुआ बिल्कुल ही इज अ नेचुरल एक्टर जी अब आप बोलिए मैं बोलता नहीं हूँ सिर्फ काटता हूँ वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स हाँ हाँ लाउडर वही That's so true. हमारे ना माशरे में the one who cuts better वो एक है बस उसके अंदर है कसाई बना selected वाह मोमिना वाह क्या कहते हैं आपने ही बोला था मुझे ऐसे करने को that was actually ये इतना cute है yeah I love these montages very cute And Momina was playing Free Fire on my phone. You don't play Free Fire, na? I don't. PUBG. पैसे थोड़ी दे रहे हैं. हाँ ये भी. मैं आज पता है ये वाली शर्ट पहन के आने वाली थी. Really? Unconsciously. मुझे याद भी नहीं था. अभी तो पड़ी नहीं. ये अच्छा है ना? That was such a cool montage. आपने इस पे कोई और गाना यूज करना था उस वक्त जो आप मुझे बताए कौन खेलेगा कोई हाँ वो तो मैंने उस फील के लिए I did use that song but like अगर copyright claim आ जाएगा ना I love the lighting of this scene. इसमें तो पूरी मुझे ना वो करनी पड़ी थी वॉइस ओवर या ऑडियो जो है वो खराब आ गया था बीनी जिसकी वजह से हमें दोबारा करना पड़ा कुर्बानी क्यों की जाती है हमारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिखाया है मुझे याद है इस सीन में लाइन बहुत लंबी समझे और हम कट कट करके कर रहे थे या कुछ कर रहे थे हम लेकिन बहुत लंबी थी मुझे साथ याद ही नहीं हो रही थी और छोटी करवाई थी मैंने प्लीज कर दे ईद में अच्छा खैर उस वक्त हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे बट इट डजंट मेक सेंस व्हाई वुड यू वेयर दैट इन ईद लेकिन फ्री फायर के कारण ना पड़ेगा सो बेसिकली दैट वाज द बंडल एंड न्यू पेट जो फ्री फायर में आ रहा था सो वी हैड टू एंडोर्स दैट सो दैट वाज द फिल्म अच्छा मोमिना योर फेवरेट सीन इन द एंटायर फिल्म वो मोंटाज बट वो सीन नहीं है द सीन इन व्हिच यू हैड टू डिलीवर द डायलॉग्स आई थिंक वो वाला जिधर वो बोल रहा है कि मुझे भी जाना है वो लेने खाना द फर्स्ट वन हां वो वाले सीन वर नाइस उसके अलावा नहीं एंड दिस इज द ओनली टाइम शी एक्टेड
ठीक है, उससे पहले इसने कभी एक्टिंग नहीं की, उसके बाद इसने कभी एक्टिंग नहीं की, लेकिन क्यों? Like, I want to ask you why. Honestly, मुझे इसमें मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला था लोगों का. ऐसा नहीं था कि पीपल वर लाइक क्या कर रही हो तुम. इट वाज नो वन रेडी थॉट कि मैं एक्ट करूंगी, तो उस हिसाब से मतलब रखते हुए कि भाई वाज माय फर्स्ट टाइम, पीपल डिड लाइक इट, लेकिन मुझसे नहीं होगा. आई हैव दिस थिंग इन माइंड. देखो अगर ऐसा सोचोगी तो फिर तो नहीं होगा. जितना ज्यादा यू विल एक्ट उतना तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा. लेकिन अगेन कोई मुझे कोई ऐसा गिग मिला भी नहीं ना जिसमें एक्टिंग करनी हो, तो वो भी एक चीज है कि कुछ मिले तो करूँ ना. Yeah, but you have your own YouTube channel, ना? You have your friends, you can just make a sketch or skit and start acting. मेरी audience हो रही नहीं है. My audience जिसको मैं target किया हुआ है हमेशा से वही है. आई कैन गो इनटू स्केचेस वगैरह, बट इट्स सो 2016. नो बट अगेन इफ यू डोंट पब्लिश इट, लाइक आई वुड जस्ट सजेस्ट के एज अ डायरेक्टर आई बिलीव दैट मोमिना हैज डन अ गुड जॉब. एंड अगेन देर वर अ लॉट ऑफ सपोर्टिव पीपल देयर. देर वॉज राहिम परदेसी, द असिस्टेंट डायरेक्टर्स, दे वर वेरी गुड एंड दे वर अ लॉट ऑफ सपोर्टिव पीपल, यू नो. तो उस वजह से भी यू डिड नॉट फील दैट ऑकवर्ड. यस, यू फेल्ट लाइक होम. मतलब कभी भी मुझे लगता था ना कि मैंने अच्छा सीन नहीं किया, तो मैं ओपनली बोल देती थी कि कॉल कर लेते हैं प्लीज, मतलब मुझे नहीं वो हो रहा. और उनकी शक्लों से भी दिख जाता था कि आप तो फॉरन नहीं बोल देते कॉल करते हैं. लेकिन जो शक्लें तो है ही ऐसी ना मोमिना, शक्लें है ही ऐसी. इतनी गर्मी में बंदा यूं ही देखेगा ना, ठीक है ठीक है. गर्मी इतनी थी ना तो बात है वैसे. बट नहीं, द मोस्ट सपोर्टिव, जो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला था वो आपसे ही मिला था. बिकॉज जो मुझे एक्चुअली डायरेक्ट कर रहे थे वो आप ही थे. तो बनता भी है, बनता भी है. व्हाट टू डू, लाइक किस तरीके से करना था, यू वर टेलिंग मी. तो उस चीज में आई वाज लाइक यही सपोर्ट है भाई, जरूर करते रहो. आई बिलीव आई न्यू मोमिना वाज एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई हैड टू सपोर्ट हर. Regardless of the fact that she was acting for the first time, because you know, वो set पे भी पहली ही मर्तबा आई थी. We met there for the very first time, and again we had to support her. Then there was like a huge giant in acting with her. That was a duck, and inside the duck was Rahim Pardesi. She got a lot of support from Rahim Pardesi as well. So I think overall the film, I loved the film. It was a great experience. One last question, Momina Munir. ये फिल्म तुमने कितनी मर्तबा देखी है, सच सच बताना. दो, एक पहली बार जब निकली थी, एक आज. अल्लाह की कसम. अब मैं कुछ बोल नहीं सकता. मैं कुछ बोल ही नहीं सकता. वैसे अमूमन ये होता है, क्योंकि ये जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी ना, और मैंने एक्टिंग की थी अपनी सबसे पहली शॉर्ट फिल्म में, मैं बार बार देखता था कहाँ गलती की क्या. बट अगेन यू डोंट वांट टू पर्सू. हाँ, यू वर डूइंग इट प्रोफेशनली इन दैट सेंस. तो आप के अंदर वो पैशन है, मेरे अंदर आई एम काइंड ऑफ अ मेथड एक्टर इस चीज में. नींद वाले शॉट में मैं एक्चुअली सो के ऊपर से नीचे आई थी, तभी. हाँ, तभी मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा स्लीपी लगने लगा, तो मैं ऊपर सो गई थी. क्योंकि पहले कौन से शॉट्स हो रहे थे, पहले सबसे पहले हमने वही वाला किया था ना, व्हेन यू वेक अप. हाँ, तो लेकिन जब सेटअप हो रहा था ना पूरा, तो सी दैट वाज द डायरेक्टर्स विजन, क्योंकि मुझे वो शूट करना था. दैट्स व्हाई तुम्हारा अर्ली कॉल टाइम रखा था, ताकि तुम नींद में आओ एंड वी कैन डू दैट शॉट. मैं बहुत नींद में थी और मैं सोई भी थी उधर, क्योंकि मेकअप के बाद फिर हम बस ऐसी मैं वेट करी थी अपने सबवे का. एंड नहीं, ये पता है हमने बिल्कुल शुरू में नहीं किया, शुरू में कुछ और हुए. क्योंकि नहीं, शुरू में यही किया था, शुरू में यही किया था, क्योंकि सबसे पहले इतना लंबा चला था कि फिर लंच टाइम भी इसी में हुआ था. या इट वाज फ्राइडे ना, तो वी स्टार्टेड विद दैट, और फिर हमने जुम्मे का ब्रेक लिया था, लंच ब्रेक लिया था, एंड वी केम बैक टू द रूम. क्योंकि पहले दिन इट वाज एंटायरली योर हाउस, सेकंड डे वी शॉट ऑल द अदर थिंग्स. मैं बहुत चीजें भूल गई हूँ, मैं हूँ भुलक्कड़, लेकिन अब याद आ रहे हैं मुझे. बट ओवरऑल हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज अमेजिंग. मतलब जितना सपोर्ट मिल सकता था उतना मुझे मिला, एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई एक्चुअली डिड इट, वरना तो नहीं हो सकता था. जिस तरीके से फर्स्ट शॉट में ही मुझसे नहीं हो रहा था. या एंड शी कुडंट शाउट, आई वाज लाइक स्क्रीम, यू आर तो तुम्हारे रैंडम रूम में रैंडम सी चीज रखी हुई, यू जस्ट स्क्रीम एंड यू लाइक एंड एज सून एज शी वाज डन विद द स्क्रीम शी लुक्ड एट मी, ठीक किया. And then,
ठीक है, मुझे कट नहीं मिलेगा, एडिट का मार्जिन नहीं मिलेगा मुझे। हाँ मैं बार बार आपसे पूछी थी ठीक है। ठीक है, ये भी मैंने चीज सीखी कि फॉरन से नहीं देखो, फॉरन से मुझे रिएक्शन मिल जाए ताकि वी जस्ट कैन गो अहेड, बट मैं ये भी नहीं होता, देयर शुड बी सम टाइम गिवन फॉर द कट इवेंचुअली। यप, तो ये सेकंड डे तक मुझे फुल ग्रूव पता चल गया था किस तरीके से करना है। या थैंक यू सो मच मोमिना, थैंक यू फॉर कमिंग। सो गाइस दैट दिस वाज आवर रिएक्शन वीडियो, होप यू गाइस लाइक्ड इट। Do subscribe the channel and press the bell icon so you guys can be notified as soon as our new video comes. And comment. Yes, and comment. सबसे पहले तुम्हारा comment होना चाहिए मोमिना। Pin कर दिया। Thank you so much, guys. Until next time, Allah Hafiz. Allah Hafiz.